सेव द चिल्ड्रन के माध्यम से आज एक बहुत अच्छा कार्यक्रम चाइल्ड राइट कमीशन के साथ हुआ. उस कार्यक्रम में उन्होंने मुझे भी आमंत्रित किया था और एक रिपोर्ट उन्होंने बनाया है कि लड़कियों को सुरक्षता के बारे में उनके क्या ख्याल हैं, उनके परिवार के कम्युनिटी के क्या ख्याल हैं, और उसका एक बहुत बड़ा अच्छा रिपोर्ट आज मेरे हाथ से रिवील किया है. और उस रिपोर्ट को मैंने अभी ऊपर ऊपर से पढ़ा है, बारीकियों से मैं घर जाकर उसको पढ़ूंगी. पर जिस रिपोर्ट के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सरफेस पे आई हैं, लड़कियों को कैसे सुरक्षा महसूस होती है और कहाँ असुरक्षित महसूस होता है, उनके परिवारों को कहाँ असुरक्षित महसूस होता है, समुदाय में जो रहती हैं वो समुदाय में कहाँ उनको सुरक्षा महसूस होती है और कहाँ उनको ज़रूरत है ज़्यादा सुरक्षा की, इस बारे में बहुत गहन चर्चा हुई. हमारे चाइल्ड राइट कमीशन के जो हमारे मेन है प्रवीण गुगे जी, उन्होंने भी अपने मत रखे और इसमें चर्चा के माध्यम से जो मुझे उन्होंने सुझाव दिए उसमें से काफ़ी सुझाव सरकार ऑलरेडी कर रही है, क्योंकि सरकार तो कर ही रही है, सरकार के साथ सोसाइटी भी इसमें भाग लेगी, एनजीओज भी भाग लेंगे, अलग अलग विचारों के लोग भी इसमें शामिल होंगे, तो ये ज़्यादा अच्छी मूवमेंट बन सकती है, बहुत अच्छी क्रांतिकारी मूवमेंट बन सकती है. तो आज हम इसमें अच्छा काम करने का एक कदम उठाया है. बच्चों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, ये अगर आवाज़ बुलंद हुई है तो आज सरकार ने, केंद्र सरकार ने निर्णय भी लिया कि जिसमें 12 साल से छोटी बच्ची के साथ अगर बलात्कार अत्याचार हो तो जो गुनहगार है उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी, और 16 साल के अंडर अगर लड़की है उसको उसके साथ अन्याय हो तो उसकी सज़ा में भी दुगनी बढ़ोतरी सरकार ने की है. तो बहुत निर्णय हुए हैं, ये थोड़ा एक सोशल इसमें बहुत लोगों का एंगल है, जैसे सेव द चिल्ड्रन जैसे जो 100 साल से इस पे काम कर रहे हैं, ये सब लोगों की पढ़ाई, उनकी रिपोर्ट, रिसर्च और एक दबाव, ये सब ज़रूरी है. और कभी गवर्नमेंट इन आवाज़ों को सुने और कभी ये हमारी आवाज़ को सुने, तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हम यहाँ से कर सकते हैं और बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को सेफ्टी प्रदान कर सकते. आज यहाँ पर सेव द चिल्ड्रन के माध्यम से जो देश भर में एक स्टडी किया गया गर्ल सेफ्टी के विषय को लेकर, इस स्टडी से जो भी मुद्दे अभी उभरे हैं उस पर बहुत ही अच्छा डिस्कशन आज यहाँ पर इस दिन भर के प्रोग्राम में हुआ. मुझे ऐसा लगता है कि गर्ल सेफ्टी के कारण जो भी इस तरह के जो मुद्दे अभी उभर कर सामने आए हैं, एक ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, पब्लिक प्लेसेस पर सेफ्टी की बात हो, और इन सभी विषयों को लेकर आने वाले दिनों में एक कुछ अच्छी पॉलिसी बनाने का प्रयास भी हम करने वाले हैं. साथ में रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में जो भी गर्ल सेफ्टी के साथ में बच्चों की सेफ्टी के लिए जो भी चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन यूनिट्स है वो सक्षम करने के लिए, और साथ में अर्बन और रूरल एरिया के जो भी चाइल्ड के प्रोटेक्शन करने के लिए जो भी वहाँ पर समितियाँ कार्यरत हैं तो उस समितियों को गठित करना और उसको सशक्तिकरण करना, ये भी प्रोग्राम चाइल्ड राइट कमीशन के माध्यम से आने वाले दिनों में लिया जाएगा. और चाइल्ड सेफ्टी के लिए, गर्ल सेफ्टी के लिए आवश्यक जो पर्याप्त कदम है वो उठाए जाएंगे. थैंक यू सर. थैंक यू. मैं शर्मा है और मैं सेव द चिल्ड्रन में स्टेट प्रोग्राम मैनेजर हूँ. दो राज्य देखता हूँ, महाराष्ट्र और राजस्थान. जहाँ तक आज के कार्यक्रम का संदर्भ है, आज हम सभी लोग सेव द चिल्ड्रन की एक फ्लैगशिप रिपोर्ट है जिसे हम लोग बिंट्स बोलते हैं, और ये रिपोर्ट भारत में जो महिलाओं और बच्चियों की जो स्थिति है उस पर प्रकाश डालती है, उसका ऑफिशियल लॉन्च करने के लिए महाराष्ट्र में इकट्ठे हुए हैं. इस रिपोर्ट को हम लोगों ने 6 राज्यों के अंदर बच्चियों की स्थिति जो है उसका अध्ययन किया है, और ये समझने की कोशिश की है कि जो पब्लिक स्पेसेस हैं वहाँ पर जो है वो लोगों की क्या सोच है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर. तो इस रिपोर्ट का आज जो है माननीय मंत्री महिला और बाल विकास पंकजा मुंडे जी ने, उनकी उपस्थिति में विमोचन हुआ है, और सेव द चिल्ड्रन जो है इस रिपोर्ट के जो भी प्रावधान हैं और जो भी इसमें जो सुझाव आज के मंथन से निकल के आए हैं उसको आगे राज्य सरकार के साथ में, स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ में और बहुत सारी जो लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ में आगे लेकर जाएंगे. जी मैं क्या कहना चाहेंगे, पॉलिसी लॉन्च हुआ क्या कुछ खास है पॉलिसी आज
और खास करके 100 साल भी पूरे हुए अपना परिचय के साथ शुरू करूँ। मेरा नाम सोनाली मुखर्जी है, मैं GM रिसर्च हूँ सेफ में, मैं रिसर्च के हेड हूँ। ये जो रिपोर्ट है, जैसे संजय ने कहा कि 6 स्टेट्स से में हुआ है और इसमें लगभग हमने जो है 3128 लड़कियों से बात की है, उनसे उनका मतलब जो है परसेप्शन हमने जाना है, क्या वो समझती हैं, क्या अनसेफ है उनके लिए पब्लिक स्पेसेस में, क्या चीज़ें उनको दिक्कतें देती हैं पब्लिक स्पेस में। तो एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आया उनके हमारे सामने कि लगभग 50% लड़कियों ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनको बहुत अनसेफ लगता है, जहाँ पे लाइट नहीं होती है वो अनसेफ लगता है, जहाँ पे क्राउड ज़्यादा होता है वहाँ पे अनसेफ है। तो इस तरह से हमने लड़कों से भी बात की कि लड़कियों के लिए क्या अनसेफ है, पेरेंट्स से बात की हमने। तो रिकमेंडेशंस के तहत हमने ये सजेस्ट किया है कि CCTV कैमराज लगवाए जाएँ पूरे सब जगह में, फंक्शनल CCTV कैमराज लगवाए जाएँ, लाइटिंग ठीक से करवाई जाए और जो है कि पुलिस को जो है सेंसिटिव किया जाए, किस तरह से वो लड़कियों के मुद्दे को सामने रख सकते हैं, किस तरह सेंसिटिव रिपोर्टिंग कर सकते हैं और लड़कियां जाके सेंसिटिव रिपोर्ट कर सके पुलिस स्टेशन में, ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए पुलिस स्टेशन में और ट्रैफिक पुलिस को जेंडर सेंसिटिव किया जाए, जितने हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स हो या आशा वर्कर्स हो उनको भी जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग दिया जाए और ख़ास करके जो है पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स फैमिली कम्युनिटी इनको समझाया जाए, लड़की और लड़के जो हैं दोनों बराबर के हैं, उनको जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है लड़कियों को भी लड़कों के माफिक ही बड़ा किया जाए, उन्हीं का दर्जा दिया जाए, ऐसा नहीं कि लड़कियां जो हैं पिछड़े रहें उनको मतलब उतना आगे बढ़ने का मौका ना दिया जाए, ऐसा ना हो। तो हम चाहते हैं कि पूरा जो कम्युनिटी है इस तरह को इस बात को समझे, जेंडर सेंसिटिव इशूज़ को आगे ले जाए, अगर ले जाएं तभी जाके जो है लड़के भी उस बात को समझेंगे कि लड़कियों को रेस्पेक्ट देना चाहिए, फिर वो लोग जो है आगे जाके इस तरह के दुष्कर्म नहीं करेंगे लड़कियों के प्रति, उस तरह के माहौल में वो बड़े होंगे तो दे वुड वांट टू अंडरस्टैंड कि लड़कियां जो हैं उनके बराबर की हैं, उनको भी उतना ही हक मिलना चाहिए जितने के लड़कों को। तो पब्लिक स्पेसेस जो है लड़कियों को उतना ही एक्सेस राइट्स है जितने के लड़कों को, तो हम यही कहना चाहेंगे। So a very important discussion we have been having since morning, and we're कौन सी गेम कौन सा मेन मेंबर फुल पेज का ये कथा होता है एक अभियान के पीछे दूसरा अभियान लगता है।